गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्लासी के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, प्लासी का जो युद्ध है यह है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था, और यह 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है, ठीक है, और एक तौर से देखें तो अंग्रेजों की विजय होती है, और अंग्रेजों ने इस युद्ध के परिणाम स्वरूप फूट डालो और राज करो की नीति भी अपनाई थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को काफी अपने ही सरदारों से धोखा खाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिएगा, इस वीडियो से पहले हमने आपको पानीपत के युद्ध के बारे में, आंग्ला मराठा युद्ध के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ाया है, तो आधुनिक भारत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, जो मतलब बंगाल में ब्रिटिश, मतलब एक तरह से देखें तो बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना यहीं से प्रारंभ हो जाती है, प्लासी और बक्सर के युद्ध से स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब कि 18वीं शताब्दी में भारत की जो राजनीतिक स्थिति है बहुत ज़्यादा शोचनीय थी। मुगल सम्राट हैं वो दुर्बल हो गए थे, अयोग्य हो गए थे, इन कारण बंगाल, अवध और दक्षिण के जो प्रांत हैं वो स्वतंत्र हो गए थे। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा का शासक बन बैठा था। वह नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था, व्यवहारिक रूप से वह एक स्वतंत्र शासक था। उसने 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक शासन किया था। व्यापारिक सुविधाओं के प्रश्न को लेकर अलीवर्दी खां और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे थे, और 1756 ईस्वी को क्या होता है कि अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उनका जो दोहिता है सिराजुद्दौला, वह है बंगाल का नवाब बनता है। शीघ्र ही अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच मतलब मतभेद हो जाते हैं। इनके कारण 23 जून 1757 को दोनों पक्षों के बीच युद्ध लड़ा जाता है, और यही युद्ध प्लासी का युद्ध कहलाता है। अब देखिएगा कि ये नहीं है कि भाई डायरेक्ट प्लासी का युद्ध फटाफट हो गया था, इससे पहले भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हो रही थी। तो मतलब इनमें क्या होता है कि पहले ये लोग मतलब युद्ध कर रहे थे, अब क्या होता है कि सिराजुद्दौला ने सोचा कि भाई मैं क्लाइव से क्या कर लेता हूँ, समझौता कर लेता हूँ। तो उसने 9 फरवरी 1757 ईस्वी को संधि की थी, और यह संधि अलीनगर की संधि कहलाई थी। अब जो अलीनगर की संधि है, इसकी जो शर्तें थी वो देखिएगा, मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को जो व्यापारिक सुविधाएं और विशेष अधिकार दिए थे वे नवाब ने उनको मान्यता प्रदान कर दी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पहले की भांति कंपनी का दस्तक के प्रयोग का अधिकार मान लिया गया। जिन फैक्ट्रियों पर नवाब ने अधिकार कर लिया था वे पुनः कंपनी को लौटा दी जाएंगी, और कंपनी की संपत्ति तथा अंग्रेजों को जो हानि हुई नवाब ने उसकी क्षतिपूर्ति का वचन दिया। कंपनी को कलकत्ता में अपनी इच्छानुसार किलेबंदी करने की छूट मिल गई। कंपनी को अपने निजी सिक्के ढालने का भी अधिकार मिल गया, और इन सभी सुविधाओं के बदले में कंपनी है उसने नवाब अर्थात सिराजुद्दौला को उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। अब देखिएगा, जो अलीनगर की संधि है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद रही, और नवाब सिराजुद्दौला के लिए देखें तो अपमानजनक थी। क्लाइव ने संधि के द्वारा कंपनी के लिए बहुत सारे अधिकार प्राप्त कर लिए। इस संधि के द्वारा उसने फ्रांसीसियों और नवाब के संभावित गठबंधन को भी रोक दिया, जिससे बंगाल में कंपनी की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ हो गई। अब देखिए, जो मतलब अलीनगर की संधि हुई थी यह है परिस्थितियों से विवश होकर मतलब हुई थी, क्योंकि इस टाइम पे सिराजुद्दौला भी ज़्यादा शक्तिशाली था नहीं था, तो वो आपका जो क्लाइव है वो भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, अतः दोनों में मतलब ये संधि हुई थी। अब क्या है कि फिर से ये लोग संधि के बाद फिर से अपनी अपनी शक्ति आजमाने लगते हैं, और फिर मतलब इनमें संघर्ष हो जाता है, और जिसके परिणामस्वरूप प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, वह था लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। तो देखिएगा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने क्लाइव के नेतृत्व में हिस्सा लिया। दूसरी ओर 4500 सैनिकों वाली नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोही, मतलब इन्होंने युद्ध में सिराजुद्दौला का ढंग से सहयोग नहीं किया था, और ये राजद्रोही कौन थे, मीर जाफर, यार लतीफ खां और राय दुर्लभ थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है।
कि भाई सिराजुद्दौला को युद्ध में किन हमने मतलब धोखा दिया, वो थे मीर जाफर और यार लतीफ खां और राय दुर्लभ। 23 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। सॉरी, 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला की सेना के बीच युद्ध आरंभ होता है। अपने विश्वास खातिर सेनापति मीर जाफर के घर सिराजुद्दौला को पराजय का मुंह देखना पड़ा। सिराजुद्दौला अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र से भाग निकला, परंतु शीघ्र ही बंदी बना लिया गया और मार डाला गया। अब देखिएगा प्लासिक का जो युद्ध था उसके क्या-क्या कारण थे, ठीक है। तो देखिएगा संधि की शर्तों का पूरा न होना, और संधि कौन सी, अलीनगर की संधि। तो देखिएगा मतलब परिस्थितियों से विवश होकर दोनों पक्षों ने, किस किस ने, सिराजुद्दौला और क्लाइव ने संधि तो कर ली, लेकिन शर्तों का पालन करने में किसी ने भी रुचि नहीं ली। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को मुआवजा देने का वचन दिया, परंतु उसने किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया, ठीक है। और फिर आता है नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। तो बहुत से जो मतलब इतिहास में कई सारे विद्वान हुए हैं, उनका मानना है कि भाई जो नवाब सिराजुद्दौला है उसके विरुद्ध कुछ प्रभावशाली मुस्लिम सरदार और धनवान हिंदू लोग थे, उन्होंने कुचक्र रचा था और उन्होंने अंग्रेजों से सहयोगी मांगा, और मतलब अंग्रेजों ने उनको स्वीकृति भी दे दी। और इनमें जो महत्वपूर्ण नाम मैंने पहले भी आपको बताया, मुस्लिम सरदार कौन थे, मीर जाफर, मिर्जा अमीर बेग और हुसैन खां प्रमुख थे, जो किसी न किसी रूप में नवाब द्वारा बेइज्जत किए जा चुके थे। और हिंदू लोग सिराजुद्दौला की कट्टर धार्मिक नीति के कारण विरोधी बने हुए थे। जगत सेठ बंधुओं जी, जिसमें मेहताब राय, स्वरूप चंद्र को भी नवाब ने अपमानित किया था, मतलब सिराजुद्दौला ने इन सबको अपमानित किया था, तो फिर ये क्या अवसर पाकर और अंग्रेजों से मिल गए थे। नदिया का जो शक्तिशाली जमींदार था महाराजा कृष्णचंद्र, वह भी नवाब की हिंदू विरोधी नीति से असंतुष्ट था। इसके अलावा प्रमुख हिंदू व्यापारी थे जिनका अंग्रेज व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध था, और दोनों के हित एक समान थे, ठीक है। तो मतलब नवाब के विरुद्ध कई लोगों ने षड्यंत्र किए, जिस कारण वह लास्ट में धोखा खाता है और पराजित हो जाता है। अब देखिएगा सिराजुद्दौला के नवाब बनाए जाने का विरोध। तो 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर तो बैठ गया, परंतु उसके विरोधी उसे गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। सिराजुद्दौला की मौसी थी कौन, घसीटी बेगम। उसका दीवान राजवल्लभ, शोकत जंग आदि सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। अंग्रेज भी षड्यंत्रकारियों को प्रोत्साहन दे रहे थे, क्योंकि वे बंगाल की गद्दी पर ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहते थे जो उनके हाथों की कठपुतली बना रहे। इस कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेजों से मतलब अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला का आरंभ से ही अंग्रेजों पर संदेह करना। तो नवाब अली वर्दी खां दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की प्रगति के कारण उनके प्रति शंकालु हो गया था। उनका ख्याल था कि यूरोपीय वही कार्य बंगाल में करेंगे जो वे दक्षिण में कर रहे हैं। अतः नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला भी अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखता है, और उसने उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया, जिससे अंग्रेज उसके शत्रु बन गए और दोनों के बीच प्लासी का युद्ध होता है। बंगाल की धन संपत्ता, बंगाल है वह अपनी धन संपत्ता के लिए काफी प्रसिद्ध है, अतः अंग्रेज बंगाल जैसे उपजाऊ और धन संपन्न प्रदेश पर अपना अधिकार करना चाहते थे, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते थे। नवाब के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, फ्रांसीसियों की भांति अंग्रेजों ने कभी भी नवाब के प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं किया था। अंग्रेजों ने नवाब के राज्याभिषेक के अवसर पर उसे बहुमूल्य भेंट भी नहीं दी थी। एक बार तो उन्होंने नवाब को अपने कासिम बाजार की फैक्ट्री दिखाने तक से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सिराजुद्दौला एकदम से क्रोधित हो जाता है और मतलब दोनों के बीच युद्ध होता है। फिर आता है आपका अगला पॉइंट है व्यापारिक झगड़ा। अंग्रेज मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने 1717 के आदेश पत्र के अनुसार बिना कर दिए व्यापार करते थे। मतलब अंग्रेज है वो मुगल बादशाह फर्रुख सियर के समय से, फर्रुख सियर ने एक आदेश पारित किया था 1717 में, जिसके अनुसार अंग्रेज वो बिना कर दिए व्यापार कर सकते थे, उससे भारतीय व्यापारियों को हानि पहुंचती थी, ठीक है। और मतलब कि अब क्या होता है कि
नवाब की आय में भी कमी होती थी। इसके अलावा अंग्रेज अपने दस्तकों का प्रयोग भारतीयों को करने देते थे, जिससे अंग्रेजों के नाम से भारतीय व्यापारी भी अपने व्यापारिक शासन को करमुक्त करा लिया करते थे। इससे नवाब को हानि होती थी, साथ ही ईमानदार भारतीयों को भी इससे हानि उठानी पड़ती थी। मतलब जो 1717 में जो फरमान जारी किया था कुतुब सिंह ने, उसके अनुसार क्या था कि भाई अंग्रेज हैं वो बिना करके व्यापार कर सकते हैं, लेकिन जो भारतीय हैं उनको कर देना पड़ेगा। अब क्या होता है कि यहाँ के जो कई व्यापारी लोग ऐसे थे, वो अंग्रेजों का नाम लेके और उस फरमान का मतलब को अधिकार में ले लेते थे। इससे क्या होता है कि कर नहीं मिलता था, तो नवाब को भी इससे हानि होती, और जो मतलब अच्छे लोग थे, अच्छे व्यापारी थे, उनको भी इसमें हानि होती थी, जिस कारण उनमें ये व्यापारिक लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। अंग्रेजों का कृष्णा वल्लभ को नवाब के हाथों में देने से इनकार। कृष्ण वल्लभ घसीटी बेगम के दीवान राजवल्लभ का लड़का था। राजवल्लभ ने घसीटी बेगम के धन को छुपाने का प्रयत्न किया, इस कारण नवाब ने उसे उसके पद से हटा दिया। परंतु इसके पहले ही राजवल्लभ ने अपनी संपूर्ण संपत्ति अपने पुत्र कृष्ण वल्लभ को देकर उसको अंग्रेजों के संरक्षण में भेज दिया। नवाब के अंग्रेजों से मांग करने पर उन्होंने कृष्ण वल्लभ को लौटाने से इनकार कर दिया। इस कारण सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नाराज था और परिणाम स्वरूप प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। अंग्रेजों का कलकत्ता के किले की किलाबंदी करना और जो नवाब था उसकी आज्ञा का पालन न करना। तो उस समय क्या होता है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के युद्ध की आशंका बनी हुई थी, और इस कारण उन्होंने कलकत्ता के किले की मरम्मत करने आरंभ की और उसके चारों तरफ एक खाई खोदना भी प्रारंभ कर दिया था। नवाब को यह कार्य पसंद नहीं आया और उसने आदेश दिए कि किले की मरम्मत करना तुरंत बंद कर दिया जाए और खाई को भर दिया जाए। परंतु अंग्रेजों ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और दोनों में तनाव बढ़ा, जिसके कारण प्लासी का युद्ध हो जाता है। कासिम बाजार तथा कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार। तो मतलब जो 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार की कोठी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 20 जून 1756 को नवाब ने कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया। अंग्रेजों का यह आरोप है कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक कमरे में बंद कर दिया और दम घुटने से 123 अंग्रेज मर गए तथा 23 व्यक्ति बच पाए। 123 अंग्रेज थे वो मर गए 146 में से, और 23 व्यक्ति ही बच निकले थे, और इसे ब्लैक होल की दुर्घटना कहते हैं। परंतु अधिकांशतः भारतीय इतिहासकार वो ऐसे हैं जो इस घटना को नहीं मानते। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर फिर से अधिकार कर लेना। तो 1756 ईस्वी को क्लाइव ने कलकत्ता पर आक्रमण किया। मानिक चंद्र पर कलकत्ता की रक्षा की जिम्मेदारी थी, परंतु उसके विश्वासघात के कारण 1757 को अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। मानिक चंद्र है ये सिराजुद्दौला का ही अधिकारी था, इसके विश्वासघात के कारण अंग्रेज हैं वे फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को फिर से लेने का प्रयास किया, लेकिन उसे परास्त होना पड़ा और 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों से अली नगर की जो संधि है वह करनी पड़ी, और इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने, कलकत्ता की किलाबंदी करने तथा सिक्के ढालने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद 23 मार्च 1757 को अंग्रेजों ने चंद्र नगर की फ्रांसीसी बस्ती पर भी अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों का सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। कलाई ने सिराजुद्दौला को अपदस्त करने का निश्चय कर लिया कि भाई मैं उसको पद से हटाऊंगा। उसने सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर को लालच दिया और अपनी ओर मिला लिया। षड्यंत्र में आपका जो अमीचंद है, जगत सेठ है, याल है और राय दुर्लभ, ये थे। और 10 जून 1757 को अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच एक गुप्त संधि होती है, जिसके कारण ये निश्चय हुआ कि सिराजुद्दौला के स्थान पर अंग्रेजी कंपनी मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देगी। इसके बदले में मीर जाफर अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपए देगा और कलकत्ता और कासिम बाजार की किलाबंदी करने की अनुमति देगा। इसके बाद कलाइव ने सिराजुद्दौला पर अली नगर की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और नवाब ने इस आरोप का खंडन किया, परंतु क्लाइव ने उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय कर लिया। वैसे देखें तो यदि ये लोग, ये जो मीर जाफर वगैरह थे, ये यदि सिराजुद्दौला के साथ रहते तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की जीत होती। ठीक है, अब देखिएगा ये मतलब मीर जाफर है, ये एक तरह से देखें तो विश्वासघाती सिद्ध होता है, और प्लासी के युद्ध के परिणाम
देख लेते हैं अपन प्लासी के युद्ध के क्या क्या परिणाम निकले। प्लासी के युद्ध के परिणाम में इतिहासकार जो यदुना सरकार, उन्होंने कहा कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया था और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। एक पीढ़ी से भी कम समय यानी प्लासी के युद्ध के 20 वर्ष बाद ही देश धर्मतंत्री शासन के विशाख से मुक्त हो गया। डॉक्टर दीनानाथ वर्मा के शब्दों में प्लासी का युद्ध एक ऐसे विशाल और गहरे षड्यंत्र का प्रदर्शन था जिसमें एक ओर कुटिल नीति निपुण भाग था और दूसरी ओर भोला शिकार। युद्ध में अर्धदुर्दशा की हार हुई और कुटिलता की जीत हुई। यदि इसका नाम युद्ध है तो प्लासी का प्रदर्शन भी युद्ध था, लेकिन सामान्य भाषा में जिसे युद्ध कहते हैं वह प्लासी में कभी हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि युद्ध तो किसी ने किया ही नहीं, बस षड्यंत्र रचा, कुटिलता दिखाई लोगों ने। और इतिहासकार के एस पन्नीकर के अनुसार प्लासी सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मिर्जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया था। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद आर्थिक रूप से भारत के इस सबसे समृद्ध प्रांत मतलब बंगाल को जी भर के लूटा गया। 1757 ईस्वी से 60 ईस्वी के बीच मीर जाफर ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए की घूस दी। क्लाइव को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में उसने काफी सारे रुपए भी दिए। अल्फ्रेड लाइल के अनुसार प्लासी में क्लाइव की सफलता ने बंगाल में युद्ध और राजनीति का एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल दिया। प्लासी के युद्ध के परिणाम की बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के साथ पुष्टि हुई। युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक और वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया। कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया था और अंग्रेजों ने फूट डालो और राजकरों की नीति अपनाना शुरू कर दिया था। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को तीनों सूबों कौन कौन से थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यवसाय करने की छूट मिल गई। कंपनी ने इसका लाभ उठाते हुए तीनों प्रांतों के भीतरी भागों में भी अपनी अनेक फैक्ट्रियां और कोठियां कायम की। कलकत्ता में कंपनी ने अपने स्वतंत्र टकसाल कायम की जहां से 19 अगस्त 1757 के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला सिक्का जारी हुआ। ठीक है, तो ये था आपका प्लासी का युद्ध और अब हम आगे आपको बक्सर का युद्ध पढ़ाएंगे और मतलब यहीं से स्टार्ट होता है बंगाल में अंग्रेजों का राज। ठीक है, तो ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।